अब इस तस्वीर को देखिए, चरण धोने से दाग धुल गए क्या? सवाल बहुत बड़ा है। और इस तस्वीर को देखिए, अब मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ। सीधी जिले में बीजेपी के कथित नेता प्रवेश शुक्ला पर गंभीर पेशाब कांड के आरोप लगे। शिवराज सरकार हिल गई। 3 दिन से शासन प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगा है। आज मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी युवक दशमत रावत को भोपाल बुलाया। मुख्यमंत्री आवास पर मिले, न्याय की देवी अहिल्याबाई की मूर्ति के नीचे कुर्सी पर बैठाया, उनके दोनों पैर धोए, उस पानी को सिर से लगाया, दशमत रावत के माथे पर तिलक लगाया, शॉल उड़ाई, मिठाई खिलाई, जनता ही भगवान है इसका भरोसा दिया, उन्हें सुदामा कहा। अगर उन्हें सुदामा कहा तो क्या खुद को ये कहीं श्री कृष्ण तो नहीं समझ पाते? स्वागत सत्कार किया, घिनौने कृत पर माफी भी मांगी, कहा मुझे माफ कर दो। इसके बाद पूरे दिन साथ रहे, मीडिया के सामने और भी बहुत कुछ करते दिखाई दिए, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ऐसा कर देने से दाग धुल जाएंगे? अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तारी के बाद किस तरह बिना खौफ थाने के अंदर आता है, भगवा गमछा लपेटे अकड़ वाली चाल में दिखता है। आरोपी प्रवेश शुक्ला की चाल से पुलिस पर सवाल उठे, तो अब पुलिस भी डैमेज कंट्रोल करती दिखी। नए वीडियो में उसे धक्का देते हुए थाने के बाहर ले जाती हुई दिखी, उसका चेहरा भी ढका हुआ नहीं था। सवाल वही है कि क्या ऐसा कर देने से दाग धुल जाएंगे? डैमेज कंट्रोल वाली इन दोनों तस्वीरों के बारे में कुछ और जानकारी आपको देंगे। उससे पहले 37 सेकंड का यह वीडियो देखिए जो आपने दिन भर कहीं नहीं देखा होगा। इस वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आवाज सुनाई देगी। वो फोन पर पीड़ित दशमत रावत की पत्नी से बात कर रहे हैं। पैसे मकान का भरोसा दिलाते जवाब में दशमत रावत की पत्नी मुख्यमंत्री से कहती हैं, साहब मुझे पैसे का लालच नहीं, बस मेरा पति मुझे लौटा दो। क्या है ये कहानी? पति को लौटाने की बात क्यों कह रही है दशमत की पत्नी? क्या दशमत को किसी ने अगवा कर लिया था? बड़ी रिपोर्ट। सीधी जिले में पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला कानून की गिरफ्त में है और पीड़ित दशमत रावत अब क्या ही कहिए। उनकी पत्नी का पहले का ये बयान सुन लीजिए। काल से भी नहीं आए तो हमके चिंता सोच रहे, काल से भी अब हमके ना पता कि ले गया कहाँ है। हाँ नहीं दिए भाई, अब आए क्या कहता था, हम नहीं आए घरे तो हम अब जो है आधी रात पूरी रात जागे नहीं आए भाई, अपन पति यही तो हम चाहे कैसा हुई तो हम तो हे रखता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही दशमत घर नहीं लौटे। बाद में पता चला कि पुलिस उनके साथ है। अब जाकर मालूम हुआ कि वो भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ हैं। इससे राहत मिली, सीएम ने खुद फोन पर बात की, लेकिन 37 सेकंड की ये बातचीत भी वायरल हो गई। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहे और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और कुछ और भी मैं सुना आपने, न पैसा चाहिए न मकान चाहिए, बस 2 दिन से लापता पति चाहिए। ये तो जा रहे हैं अभी, भेज रहे हैं। सरकार खुद फोन पर थे, डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन गरीब को लालच नहीं आया, रुंधे गले से बस पति याद आए। पत्नी ने कहा कि उसे घर और पैसा नहीं बल्कि उसका पति, उसका आदमी चाहिए। यही बात उसने केदार शुक्ला से भी गई। तो कुल मिलाकर इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से पुलिस ने दशमत को सारी दुनिया से छुपाकर पुलिस गाड़ी में बैठाकर सीएम हाउस लेकर आए और किसी को कानोकान खबर भी नहीं लगी। बात अगर भोपाल की जाए तो यहाँ पर भी कब दशमत रावत को लाया गया, कब उसकी मुलाकात हुई, कब वो सीएम हाउस से वापस सीधी के लिए रवाना हुआ, सीधी के लिए ही रवाना हुआ या कहीं और रवाना हुआ, इस बात की भी किसी को जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।